करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, एक दो छोटी बातें करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सेठ आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी, संखेश्वर पेढ़ी और बंबई महानगर के जिनालयों के संत, तीनों के साथ मिलकर के इस शिल्प शिविर नंबर 3 का आयोजन किया गया है। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य रत्न विजय जी महाराज साहब ने टीचिंग करके, अध्ययन करके, अभ्यास करके, संशोधन करके टेक्स्ट बुक तैयार की। टेक्स्ट बुक से कोई सीख नहीं सकता, इसके लिए गाइड चाहिए और गाइड के लिए एक केंद्रवर्ती कार्यालय भी होना चाहिए, जो कल्पेश भाई ने बताया। और मुझे लगता है कि प्रारंभ अभी हो जाना चाहिए इस बात को लेके। कृपा करके, मेहरबानी करके, ये ऐसा घोटाला करते हैं, ये ऐसा मिलावट करते हैं, ये ऐसा भाव ले लेते हैं, ये ऐसे स्वभाव वाले हैं, ऐसी बातों की चर्चा मत कीजिए। जो जानकारी है जिनालय तीर्थदान वगैरह बनाने के लिए जो मार्गदर्शन चाहिए, उसकी पूरी हालतू चालतू आ शिल्प मंदिर इतने सौम्य रत्न विजय महाराज एमने कृपा करीने हूँ तो विनंती करूँ कि महाराज साहब तमे मार्गदर्शन आपके पण मुनिम नहीं बनी जता पाछा। पूरे हिंदुस्तान में और विदेशों में संदेश जाना चाहिए कि शिल्प स्थापत्य के मामले में मार्गदर्शन के लिए हर प्रकार का मार्गदर्शन देने के लिए या ऑर्डर नहीं देने का है संस्था को, कॉन्ट्रैक्ट देने का नहीं है इनको। कॉन्ट्रैक्ट तो जिनको जहां भी जैसे भी देने का है वो आप करो, मगर इसके मामले में A to Z मार्गदर्शन जो चाहिए वो ये जो उन्होंने टेक्स्ट बुक बनाई है उसका, उसके जरूरी हो तो गाइड का, उसके विवरण का, एक केंद्रीय कार्यालय में बहुत व्यवस्थित मार्गदर्शन मिलने का आरंभ हो जाए। आप सिर्फ अध्ययन करो, चिंतन करो और खोज करो और हमें बोध दिलाओ, ऐसी कामना के साथ मैं